हे गाइस, आज तो बर्थडे है और बर्थडे का कुछ भी प्लान नहीं था। सुबह का प्लान था लेकिन शाम का कोई भी प्लान नहीं था। सुबह जिसको बाद हम घर के सो गए थे क्योंकि सुबह से हम लोग काम कर रहे थे, थकान हो रहा था, कुछ भी नहीं खाया था। उसके बाद जब ज़्यादा भूख लगती है तो कुछ खा नहीं जा सकता। बाकी गाइस आप लोग पीछे इग्नोर करो प्लीज़, ऐसा ही होता है मेरा रूम। और जब से बेड नहीं है तब से क्या बताए, थोड़ा सा हालत ख़राब है। और बाकी चीकू को देखो सो रहा है। एंड जो हुआ था वो हुआ था कि थकान हो गया था और जब बहुत तेज़ की भूख लगती है तब हम कुछ भी खा नहीं सकते, पेट में हल्का सा दर्द होता है। मेरा होता है, आपका नहीं होता शायद से, अगर होता है तो मुझे बता देना कि ज़्यादा भूख लगने पे आपका हालत कैसा होता है। बाकी आज जो हालत हो गई थी क्योंकि कुछ लोगों को ढूंढ नहीं पा रहे थे, मतलब जब हम ऐसे ही जाते घूमने कहीं पे स्टेशन पे जाते तब मुझे बहुत लोग देखते मिलता कि, और जब हम आज खाकर रेडी करके गए थे लेकिन तब नहीं मिल रहा था। और बाकी क्या बताऊँ, घर आके सो गया था। बस मम्मी ने बुलाया मुझे, बोला कि कुछ खा लो, कब से ऐसे सो रहे हो। तो उसके बाद मैंने 1:30 बजे तक उठ गया था। उसके बाद खाया कुछ दाल पापड़ से खाया क्योंकि आज हमारे घर में नॉन वेज नहीं चलेगा, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाकी दाल मुझे पसंद है लेकिन बाकी कुछ भी सब्जी वब्जी मुझे पसंद नहीं, मुझे चिकन बहुत अच्छा लगता है। और कुछ नहीं खाया, पापड़। मैंने बोला कि मम्मी कुछ पापड़ दे दो यार। उसके बाद पापड़ से दाल से खा लिया। खा के उसके बाद ट्राई कर रहा था ब्लॉग अपलोड करने का, हो नहीं रहा था तो करते करते सो गया था। उसके बाद फिर से मुझे 5 बजे नींद खुल गई थी, मुझे कॉल आया था अंजलि का। मैंने कॉल किया था घूमती नींद से उठकर, तो मैंने बताया कि तुम्हारा तबीयत कैसा है। उसके टीथ पे पेन था, तो मतलब कि पेन था टीथ पे, तो बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा मैं सो लूँ तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला कि यार ठीक है, तुम रेस्ट लो, उसके बाद उठ के मुझे कॉल करना। उसने बोला कि ठीक है, मैं कल कर लूँगा तुमको। तो मैंने दीदी के घर गया क्योंकि मेरे राउटर से काम नहीं चल रहा था, वीडियो अपलोड हो नहीं रहा था, बहुत ही लेट हो गया, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया मैं 2 दिन से। तो मैंने गया दीदी के घर से जाके वीडियो अपलोड किया। एंड जब मैं लौट रहा था तब मुझे मिल गया रास्ते पे वो जो सुबह से हम लोगों के साथ काम कर रहा था वहाँ भी। तो मैंने बताया कि यार मैं तुम्हारा घर पे जाता हूँ। तो उसने बोला नहीं यार, तुम मेरे पास घर पे अभी नहीं जा सकते, मैं कभी बाहर जा रहा हूँ, ठीक है तुम अभी घर जाओ, घर जाके रेडी होके बैठ जाओ, हम तुम्हें कॉल करके बुला लेंगे। मतलब कि यार तुम कॉल करके क्या बुला लोगे, हाँ मैं छोटी बच्ची हूँ क्या, मैं मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या, तुम लोग सरप्राइज प्लान कुछ कर रहे हो ये मुझे पता है, ठीक है छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। सो यार मैं घर आके उसके हिसाब से रेडी होके ऐसे बैठ चुका हूँ। मैं फिर भी बता रहा हूँ आप सबको कि पीछे देखकर पीछे को इग्नोर कर दो, ठीक है ऐसा ही होता है, ब्लॉगर का यूट्यूबर का घर ऐसा ही होता है, माइंड में मत लेना, ठीक है तुम्हारा भाई सब कुछ एक दिन सब कुछ ठीक ठाक संभल के रखेगा। पता नहीं ये दिन कब आएगा लेकिन करूँगा ज़रूर। और क्या बताऊँ, मैं अभी बैठा ही हूँ, मतलब कि मुझे अभी नींद आ रहा है कि बैठे बैठे मैं सो ना जाऊँ। सो गाइस देखते हैं क्या होता है, कुछ क्या नहीं होता, क्या खाते हैं। मुझे भूख लगी है बात करते करते, क्योंकि दोपहर में मैंने थोड़ा सा ही खाया था, शरीर देख के पता ही चल रहा है कि मैं कितना खाता हूँ, कुछ नहीं बता चाहता हूँ मेरे खाने के लिए, खाने में बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ मैं। और देखते हैं क्या होता है, तब तक के लिए मैं रेस्ट करता हूँ, मतलब कि रेस्ट मतलब सो भी जा सकता हूँ, ठीक है कहना बड़ा है। सो गाइस हमने उन लोगों को कॉल किया था और कॉल करके मैंने बताया कि यार मुझे नहीं जाना, मैंने गुस्सा किया। मैं उसको बोला तू रुक जा मैं अभी जा रहा हूँ, मतलब तू इधर पे आ जा जहाँ पे हम लोग रोज़ मिलते हैं, तू वहाँ पे आ जा, हम लोग कुछ बातें करते हैं, कुछ चाय पीते हैं, नाटक ऐसे करते हैं, तुम लोग नहीं समझोगे कि इतना नाटक करता है, अभी कॉल किया है। क्या बोला था, हम छोटे बच्चे नहीं है, सब समझ लेते हैं। मैंने बताया है कि मैं अभी अंजलि को कॉल कर रहा हूँ, वो मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा, मैं नहीं जाऊँगा यार, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक हम कहीं पे नहीं जाएंगे। उसका कॉल आ गया, देखते हैं कॉल में क्या बात होती है, उसके बाद हम निकलते हैं सीधा जहाँ पे जाने की बात हुई थी। सो गाइस लिखो, हमारा এখন এখানে চলে এসেছি, অঞ্জলি আমাকে নিয়ে এসেছে, আজকে ও আমাকে ট্রিট দেবে, ভেতরে যাচ্ছি আবার। এটা এইটা কি করছিস? এটা অনেকগুলো ফুল, আরে
বললাম গাইস যেটা বলছি সেটাই হচ্ছে আমি সব জানি ঠিক আছে এরা আমাকে বলে পেয়েছে চলো গুরু এ তাহলে ভিডিওটা একজন করবি তো নাকি আমি ভিডিও ধরে আর একজন হ্যাপি বার্থডে তুই আসিস কেন हम पहुंच गए और हमने इसका गजब बेइज्जती भी कर दिया तो मैं ही मेरा वीडियो एंट्री वीडियो मैं ही कर रहा हूँ खुद और क्या करूँ कोई करने वाला है नहीं और सुबह को हमारे साथ ये प्रीति जी नहीं गए थे प्रीति जी का और मेरे तरफ हुआ मैंने बोला था कि नाटक कर रही है तो ये ही वो औरत है नाटक कर रही थी उसका सिर में दर्द है इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा ऐसा बोल रहा था मुझे कॉल पे नाटक कर रहा था और इसका तो पेन है दांत में इसका टीथ में इसका सरप्राइज से खुल गया था कह रहा था मुझे ऐसा हो रहा था दादा एखन ना एखन केकटा और कल से मैं केक कट रहा क्या बोलते हैं कटिंग कर रहा हूँ अंजलि ट्रीट दे ही जा रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है बेड टेबल के साथ केक का कलर कुछ फिक्स्ड है पूरा ए दादा भागुन ले लो पकड़ लो हाय
ठीक है गाइस कुछ खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस हमने चाउमीन लिया था, चाउमीन का क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि इतना ज़्यादा है हम लोग खा नहीं पा रहे, बहुत ही ज़्यादा है। कॉफ़ी अंजलि ने कॉफ़ी लिया और चाउमीन भी खा रहे हैं भाई। उसकी तबीयत खराब है तो इसलिए कॉफी पी रहा था और वो फोन में मस्त बिजी है, टाइम नहीं है उसके पास व्लॉग करने का। शुगर हम लोग खा लेते हैं, बाहर निकल के सब कुछ बोलते हैं। बहुत ज़्यादा तो मैंने ये पहन लिया और ये देखो कुछ ऐसा ढीला ढोला है, ठीक से ही है, जब ठीक से फिट कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी मैं अच्छी है, लेट्स गो देखते हैं दीदी क्या करते हैं। सो मिलते हैं। आपको नहीं जाना, चला गया। घर की हालत किसको दिखाए, छोड़ो यार, चलो 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 गाइस, चीकू चलो लेट्स गो। दीदी ओ गाइस देखते हैं, आज तो मेरा ही दिन है, सरप्राइज से लेकर सरप्राइज सब दे रहा है। यहाँ पे मेरे कमरा है, ये देखो ये सबसे पहले आ जाता है। खोलो जी को, खोलो, चलो चलो आ जाओ, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये है तुम्हारा गिफ्ट मम्मी जी, क्या है इसमें? और ये हमारा लैपटॉप, डेस्कटॉप, सेटअप, सब कुछ यहाँ पे है। सो गाइस पहले
हम इसको सेट कर लेते हैं इधर से। बक्सा है इसके अंदर, देखते हैं क्या है। बैलून्स है, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसके। हैप्पी बर्थडे मेरा मतलब मुझे बोला है और बंगाली में लिखा है, मतलब कि लिखा है कि मेरे जन्मदिन पे छोटा सा एक तोहफा दीदी के तरफ से एंड बहुत सारा प्यार, थैंक यू। और इसमें एक बात है, ये जो तीन बैलून है ना, ये तीन में एक आपका लकी बैलून होगा, तो तुम एक ही उठाना, उसमें देखता हूँ तुम्हारा लक अच्छा हो तो तुम्हारा अच्छा कोई मिलेगा, लक अच्छा नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो एक ही ये वाला तुमको बहुत बड़ी नहीं तुम बहुत क्या कहता है ना, जो धन्यवाद हो एक बार में ही पहचान का जो वाला अच्छा है। हाँ मुझे तो सब चाहिए, सब तो चाहिए, लेकिन एक ही लेना पड़ेगा। कौन सा आप लेना, अच्छा गिफ्ट है, बाकी दोनों में अच्छा नहीं, मैं नहीं बोलूंगा आपको नहीं मिला तो, यदि आप तुम्हें बोल देना पड़ो ना, लेकिन तो देव ना सही, तीन चार मिनट, एक मिनट, आज देखते किस्मत किसके साथ है। परेशान हो रहा है कि ये तुम्हारा अच्छा निकल रहा है कि नहीं लगा, और इसके अंदर क्या क्या है, फ्रूटी है, फ्रूटी मुझे अच्छा लगता है, और यहाँ पे एप्पल, मुझे ये एप्पल भी मुझे अच्छा लगता है, और इसके अंदर है बहुत गाइस ये देखो गला पहन लेता हूं इसे, और मुझे एक छाती की बहुत जरूरत थी सच में, लेकिन तुमने ये देखा नहीं लाया था क्या, ये देखो। ओ ये तुम्हारा काला अच्छा तो, लेकिन ये लड़कियों जैसे, लड़कियों नहीं जैसे नहीं है, चाहता एक ही है, लड़कियों नहीं, लड़कियों नहीं ऐसा क्यों किया पता है, मुझे दे रहा है अभी, लेकिन दो दिन बाद आके बोलके तेरा छत्ती मुझे दे रहा है। नहीं ये तुम्हारा ही है, ओ कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। पता है तुमको क्या चाहिए, लेकिन मेरे कॉलेज तो खत्म हो गया अब।
सब कुछ वो एक नया वाला बिस्कुट आया है बाजार पे 50-50 का नाम है 50-50 आ पहले था 20-20 अब यहां 50-50 चलो खत्म हो गया सारे गाइस बॉक्स तो लिया है मैंने ये बॉक्स कैसा लगा बॉक्स कैसे हां समझ में आया ये तुम्हारा तुम्हारा पति का है ये तुम्हारा पति का वो इसके अंदर ये क्या था मैं मुझे बता दूं क्या था जरा उसमें ये हम कितना कितना मेहनत से ये इसको जो किया ना कवर किया बहुत मेहनत से बहुत बहुत शुक्रिया आपको थैंक यू बहुत मजा एक मिनट में पानी पी आज का दिन कैसे गया मेरा मैंने सब कुछ आप सबके साथ शेयर किया अच्छा लगे तो वीडियो बताना कमेंट में जी कैसा लगा वीडियो और थैंक यू सो मच अगर आप लोग नहीं होते तो इतना कुछ मैं कभी कर नहीं पाता मतलब कि दिल से शुक्रिया आप सबका पहले साल भी हमने बहुत अच्छा कटाया था मतलब गया था बर्थडे एंड इस साल उससे भी ज़्यादा गया अगर आप सब लोग ऐसे ही मेरे साथ रहोगे तो हर साल हम लोग ऐसे ही कुछ करने की कोशिश करेंगे सो गाइस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं कैसा लगा बताना एंड लव यू ऑल मिलते हैं दूसरी ब्लॉग में